अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि ड्रेनेज सिस्टम को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है एक बिल्डिंग में। तो इसको ऑटो कैड की ड्राइंग की मदद से हम आपको इस ब्रीफ करेंगे। देखें, मेरे सामने ये ऑटो कैड की एक ड्राइंग खुली हुई है, इसमें बिल्डिंग का एक्सटर्नल ड्रेनेज जो है शो कर रहा है ये। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। ये जो हमारे पास जो लेआउट है, ये ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। ये देखें, ये जो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, ये इसका लेआउट है। और जो इसमें जो ड्रेनेज शो कर रहा है, वो एक्सटर्नल ड्रेनेज जो है वो उसको शो कर रहा है कि एक्सटर्नल ड्रेनेज जो है हम किसी बिल्डिंग में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये देखें, ये हमारा यहाँ पर ये जो हमें ग्रीन लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये हमारी ड्रेनेज के सिस्टम को शो कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा मेन होल है, ये मेन होल वन है। तो हम किसी भी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं, मेन होल इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्पेक्शन चैम्बर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेन होल इंस्टॉल किए हैं। तो ये जो है MH1 मेन होल वन को शो कर रहा है। ये इसका जो लेवल है CL00 रेफरेंस लेवल जो होता है इसका सर्वेयर लेवल, तो उससे ये इन्वर्ट लेवल जो है ये बता रहा है -060। यानी जो ये इंस्पेक्शन चैम्बर जो हमारा फर्स्ट वाला इंस्पेक्शन चैम्बर बनेगा, इसका जो इन्वर्ट लेवल हम रखेंगे, यानी जो बॉटम ऑफ पाइप जो होगा हमारा जो ड्रेनेज पाइप का, वो होगा -60। कहाँ से? ये जो इन्होंने ये रेफरेंस दिया है CL+00, ये यहाँ पे जो इंटरलॉक है, जो वॉकवे एरिया होगा, वहाँ से इसका जो हम इन्वर्ट लेवल लेंगे, वहाँ से ये -60 होगा। तो ये देखें, ये जो राइजर हमारे पे शो कर रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से जो हमारे ड्रेनेज के वेस्ट वाटर लाइन और सेवरेज की जो वो सॉइल वाटर की, ये दोनों लाइन जो हैं ऊपर से ड्रॉप हो रही हैं और इस इंस्पेक्शन चैम्बर में आ रही हैं। उसके बाद ये देखें, ये यहाँ से एरो का निशान देखें, ये जो हमारा स्लोप है वो यहाँ से डाउन होना शुरू होगा इस तरह। ये देखें, ये सेकंड MH2 CL+0.00 इन्वर्ट लेवल -0.63। ये देखें, ये जो हमारे पास मेन होल टू है, इसका जो हमारे पास इन्वर्ट लेवल है जो इस रेफरेंस है, वो है 63। ये देखें, ये 60 था, ये 63। इसका मतलब ये स्लोप यहाँ पे आ रहा है, ये 1% स्लोप है यहाँ से यहाँ तक। ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 3 मीटर की जो पाइप है उसमें हमारा ये 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर स्लोप जाएगा। तो ये 3 मीटर का जो पाइप है उसमें 3 सेंटी स्लोप आ गया। इस तरह ये देखें, ये रेजर से 2 पाइप आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से और थर्ड फ्लोर से, ये इसमें चैम्बर में ड्रॉप हो रही। और ये जो है, ये डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से हमारा जो WC का पाइप आ रहा है, वो ये इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है। इस तरह आगे चलेंगे हम, ये देखें, ये आ गया MH मेन होल 3। इसका ये लेवल देखें, रेफरेंस लेवल दिया है और ये -0.68 हो गया। देखें, ये जो इंस्पेक्शन चैम्बर है, इसकी जो डीप होगी वो हमारी -0.68 होगी। यानी ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 मीटर का ये पाइप होगा, इसलिए यहाँ पे और 8 सेंटी जो है इसमें ये डीप हो गया यहाँ से। तो यहाँ पानी का जो वो वे होगा, स्लोप होगा, वो इस साइड से चलेगा। इस तरह ये देखें, MH4 आ गया। MH4 जो हमारे पास है, ये देखें MH4, इसका ये लेवल और ये -70। इस तरह यहाँ भी देखें, ये इसमें एक जो हमारा ये गैस टॉयलेट है, वहाँ से पाइप कनेक्ट होके आ रहा है और एक जो है ऊपर राइजर ऊपर से ड्रॉप हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर से, जो इंस्पेक्शन चैम्बर में आ रहा है। इस तरह ये देखें, यहाँ एक कॉर्नर पे जो बिल्डिंग का जो कॉर्नर है, वहाँ पे एक इंस्पेक्शन चैम्बर या मेन होल इन्होंने बनाया है, MH5 इसको मेंशन किया है। ये देखें, इसका CL जो रेफरेंस लेवल, ये 00 जो भी है, ये 00 आपका ये लेवल भी हो सकता है इंटरलॉक का, और ये जो 00 आपकी टाइल का लेवल भी हो सकता है, तो FFL होता है हमारा। तो ये आपको सही जो सर्वेयर आपको कन्फर्म करेगा ये 00 कहाँ से ये ले रहे हैं। तो ये हमारे देखें -77 इन्वर्ट लेवल, जो ये वाला इंस्पेक्शन चैम्बर या मेन होल है, इसका इन्वर्ट लेवल जो है हमारा है -0.77। इस तरह ये देखें, ड्रेनेज सारा जो पानी है वो यहाँ से मूव होता हुआ इस चैम्बर तक आएगा। इसके बाद ये
आपको दूसरा साइड पे दिखाता हूँ, ये देखें एम एस सिक्स आ गया, इसका 0.89 देखें, 89 है। तो हमारे पास जो लास्ट था वो था 77 और ये है 89, यानी ये 12 सेंटी जो है, 12 में 12 मीटर का पाइप है तो 12 सेंटी और डीप हो गया यहाँ पे जो हमारा इन्वर्ट लेवल है। इस तरह ये देखें, ये पाइप का साइज़ बता रहा है कि UPVC का पाइप है, क्लास फाइव का है, यानी PN16 क्लास फाइव का पाइप है, ये PN16 है और ये 6 इंच का पाइप है हमारे पास। तो ये देखें, ये पानी जितना भी है कोलेक्ट करता हुआ यहाँ मेन चैम्बर तक लेके आ रहा है, जिसको इन्होंने यहाँ पे MH10 मेन होल 10 दिया है। तो हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, मेन होल हमने लास्ट जो चेक किया वो मेन होल 6 था, इसके बाद ये देखें ये है मेन होल 7, ये है MH7 CL+0.00 इन्वर्ट लेवल 0.60, इसका 60 जो है इन्वर्ट लेवल है, यानी 60 सेंटीमीटर। और ये देखें, ये किचन से लेके आ रहा है और ये ऊपर से कुछ राइजर्स जो है, इसके राइजर अंदर है या इन्होंने शो नहीं किया, ये राइजर है देखें, ये राइजर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर से आ रहा है, ये ड्रेन यहाँ पे वाटर को ड्रॉप करेगा, सेवरेज की जो वाटर है उसको यहाँ पे इस चैम्बर में, और इस तरफ से ये पूरा जो बिल्डिंग का जो ड्रेनेज नेटवर्क है वो इन इंस्पेक्शन चैम्बर से कवर होगा। ये स्लोप आता हुआ यहाँ पर आएगा, देखें 8 नंबर आ गया, ये 8 नंबर है मेन होल नंबर 8, इसमें भी ये राइजर्स हैं जो फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो रहे हैं और ये वहाँ से पानी को ड्रॉप कर रहे हैं इस चैम्बर में, इस एरिया को कवर कर रहे हैं। इस तरह ये देखें, स्लोप यहाँ से आते हुए इस पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक और टॉयलेट है हमारा जो ग्राउंड में है, देखें लिखा है ऑफिस टॉयलेट है, इसके अंदर से ये दो जो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से पानी कलेक्ट होगा, WC का, फ्लोर ड्रेन का, वाइश बेसन और जो वैनिटी काउंटर्स वगैरह हैं उनका जो पानी जो कलेक्ट होगा यहाँ पे ड्रॉप होगा। उसके बाद ये देखें, इससे एक जो पाइप निकला है इसका इन्वर्ट लेवल 74 था और ये जो हमारे पास ये MH हमारा 9 है, मेन होल 9 के बाद आप ये देखें ये आगे मेन होल 10, यानी इस टोटल बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में आपको दिखाऊँ ये टोटल जो हमारे पास इंस्पेक्शन चैम्बर्स शो रहे हैं ये हैं 10, इसको यहाँ पे नंबरिंग से मेंशन किए गए। इस तरह सारी बिल्डिंग का जो पानी है सेवरेज का और ड्रेनेज का जितना भी पानी है वो देखें इस वाले इंस्पेक्शन चैम्बर में ये आ रहा है। तो इसकी जो इसको इन्होंने ये इंस्पेक्शन चैम्बर 10 दिए, मेन होल 10 बताया और इसका जो CL रेफरेंस चैम्बर रेफरेंस जो लेवल दिया इन्होंने 0.00, वहाँ से ये इन्वर्ट लेवल 1.03 1 मीटर 3 सेंटी, यानी इसका जो इन्वर्ट लेवल है ये जो 00 रेफरेंस लेवल है उससे इन्वर्ट लेवल है 1 मीटर और 3 सेंटी, 1 मीटर 3 सेंटी। इस तरह इसी चैम्बर में यहाँ देखें ये गार्ड रूम है, ये जो विलों में बड़े विलों में गार्ड रूम होते हैं, ड्राइवर रूम होते हैं, तो ये सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, इसका एक रूम बनाया है, उसका एक टॉयलेट है, उसका पानी कलेक्ट होकर यहाँ पर आ रहा है। इस तरह ये गार्बेज रूम है, यहाँ पर आप जो कचरा वगैरह गार्बेज इस रूम में रख सकते हैं, तो उसकी क्लीनिंग के लिए यहाँ इन्होंने फ्लोर ड्रेन दिए और ये आउटसाइड पे इन्होंने ये जो है गली ट्रैप दिया है, क्योंकि ये एरिया जो है पार्किंग एरिया है, यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह वॉश करनी है, कार वॉश वगैरह या रेन पाइप रेन वाटर जो भी आएगा वो इस गली ट्रैप में चले जाएगा और उससे ये सारा पानी कलेक्ट होकर इस MH10 में आ रहा है, मेन होल 10 में। अच्छा, इसके बाद मेन होल 10 के बाद ये जो है जो हमारा मेन पाइप है 6 इंच का, ये यहाँ से विलेज से या बिल्डिंग से बाहर आ रहा है, बाहर आने के बाद ये इन्होंने लिखा है टू बी कनेक्टेड टू सिटी मेन होल्स, यानी ये जो है सिटी मेन होल्स से जो है कनेक्ट है, ये आप देख सकते हैं ये सिटी मेन होल से यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया है। इस तरह ये देखें आप, ये जो पूरी बिल्डिंग का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये आपके सामने एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम है, ये पूरा का पूरा इस ड्राइंग में मेंशन है। इस ड्राइंग की मदद से आपको बहुत आसानी से आप इस ड्रेनेज नेटवर्क को समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने वेस्ट वाटर जहाँ पे आएगा इन्होंने शो नहीं किया गली ट्रैप, हमारे पास जो वेस्ट की लाइन है वेस्ट वाटर जो आएगा हमारे पास जो यानी हमारी फ्लो ड्रेन से कनेक्ट होगा और जो हमारे वॉश बेसन से और जो हमारे बाथ टब से शावर ट्रे से और वैनिटी काउंटर से जो और किचन से जो कनेक्ट होगा उन सब में यहाँ पे
एक एक गली ट्रैप लगेगा, देखें गली ट्रैप, और या यहाँ पे आप पी ट्रैप लगाएंगे जो स्मेल वगैरह को रोक सकता है। तो यहाँ इस ड्राइंग में इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो यहाँ हर जो वेस्ट वाटर की लाइन है उसमें एक एक गली ट्रैप लगेगा, जैसे वो गली ट्रैप इन्होंने यहाँ पे शो किया है, देखें इस तरह से ये यहाँ पे लगेगा। तो नाज़रीन, ये आप पूरा एक नेटवर्क था। इस ड्राइंग की ऑटो कैड की मदद से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो वीडियो के आखिर में आपसे आप जो है मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जो है इमरान अब्बासी व्लॉग, इसको आप जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई जो वीडियोस हैं और मालूमाती और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।